अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत आसान है जिसको बनाना और बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। तो जल्दी से हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया एक कप, ये डालेंगे बर्तन में। और ये चीनी आई मेरे पास, ये 3 खाने के चम्मच है। नमक डालेंगे 2 चाय के चम्मच और यीस्ट शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच। इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे और फिर कवर करके इसको तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, मैदा मेरे पास है 1600 ग्राम, ये तकरीबन 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये मैं उसके हिसाब से आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। तो आपने क्या करना, अगर आप 1 किलो का बनाएंगे ना, 1 किलो मैदा लेंगे, तो उसके हिसाब से जो मेजरमेंट होंगी ना वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं यहाँ पे ना पिज़्ज़ा की डो ज़्यादा तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे 4 से 5 पिज़्ज़ा बनाने हैं जिनको मैं बना के ना इसकी जो डो मैं तैयार करके तो फ्रीज़ कर लूँगी। तो पहले हमने क्या किया है कि घी लिया था मैंने, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच घी था। घी को मैंने हाथों से अच्छी तरह से पहले मैदे में मिक्स कर लिया है। तो अब जो हमने यीस्ट एक्टिव करने के लिए रखा था ना वो पानी पहले ले लेंगे, उसको मैदे में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से ना हम हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। और बाकी जो डो हमने तैयार करनी है उसके लिए जितना भी हमें पानी चाहिए वो सारा नीम गर्म पानी के इस्तेमाल करेंगे। आपने पानी ना तो बिल्कुल ठंडा लेना है और ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म, वो पानी नीम गर्म होना चाहिए बस। तो उससे हम एक दरमियानी डो तैयार करेंगे, ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो, बिल्कुल जैसे हम एक नॉर्मल आटा घर पे गूंथते हैं ना उसी तरह से हमने डो तैयार करनी है। पहले उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, फिर आपने काउंटर को साफ़ कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है काउंटर को, और सारा जो आटा है उसको हमने अच्छी तरह से गूँध लेना है उस पर। इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको गूंदेंगे अच्छी तरह से ताकि एक अच्छी सी हमारी सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए। यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको गूंद लिया है। अब इसको कवर करके ना तो तकरीबन मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से डो हमारी राइज हो जाए और साथ ही हम उसके पिज़्ज़ा के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं उतनी देर में। सबसे पहले पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल के लेंगे, फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इनको हमने इतना फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तो 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ लहसुन का शामिल कर देंगे और इसको हमने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल के ना तो अच्छी तरह से चलाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। अब इसमें मैं 1/2 कप पानी का शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद इसको हम लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक दम देंगे ताकि जो सारे ये टमाटर हैं ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और 10 मिनट के बाद देखें टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए, चम्मच की मदद से ना इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चम्मच से आप इसी तरह बस चलाते जाएं, टमाटर मैश हो जाते हैं तो साथ ही स्पाइसी ऐड कर लेते हैं। इसमें 1 चाय का चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 चाय का चम्मच चीनी है और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका और 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। इसको शामिल करने के बाद थोड़ी सी देर इसकी भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे एक कप मैंने लिया भर के केचप का, वो इसमें शामिल करेंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस होममेड है और बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। आपने इस पिज़्ज़ा सॉस को भी ज़रूर बना के देखना है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो दोबारा आप इसको बाज़ार से नहीं ख़रीदेंगे, इतनी मज़े की बनके तैयार होती है। केचप डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 मिनट ही कुक करना है, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारी बेहद मज़ेदार पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार है। अब चलते हैं चिकन की तरफ।
दो से तीन खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया है, उसमें एक चाय के चम्मच लहसुन का शामिल किया है। इसको एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये 450 ग्राम, आधा किलो से थोड़ी सी कम है मेरे पास, बोनलेस चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। हाँ, जो नीचे है ना वो मीडियम टू लो है, तो उस पर आपने इसको फ्राई करना है। इतना इसको फ्राई करना है हमने कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम मसाले शामिल कर देंगे। मसाला मैं यहाँ पे चिकन टिक्का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैंने इसमें तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच डाला है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको बग़ैर कवर किए हमने पकाना है। और ये चिकन आपको पता है बहुत जल्दी पक जाती है, तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाएंगे तो चिकन हमारी गल जाएगी अच्छी तरीके से। ये चिकन यहाँ पे हमारी तकरीबन रेडी है, ये देख सकते हैं आप। उसका पानी भी खुश्क हो गया, इसी पानी में ये चिकन गल गई है। और अब डो को देख लेते हैं। डो भी हमारी राइज हो चुकी है अच्छी तरीके से। इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट तक गूंद लेंगे। अब एक छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस डो से हम 4 लार्ज पिज़्ज़ा बनाएंगे। यहाँ पे ना मैंने एक बड़े साइज़ की ट्रे ली है। ये ट्रे मेरे पास बिस्किट वगैरह बनाने के लिए मैंने ली थी, तो लार्ज पिज़्ज़ा के लिए जो ट्रे है ना मेरे पास 2 ही हैं, तो मैं इसको भी साथ इस्तेमाल करूँगी। आपने क्या करना है कि डो लेनी है और उसको आपने बग़ैर बेलन के हाथ की मदद से ना, हाथों को आपने पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इस तरह से ना प्रेस करते जाएंगे। देखिए आप, बग़ैर बेलन की मदद से हाथों से मैंने इसको अच्छी तरह से इस ट्रे को तैयार कर लिया है। अभी इसे एक फोक लेना है हमने और उसे अच्छी तरह से इस तरह से ना निशान लगा देने हैं। फिर इसको हम बेक कर लेंगे। पहले पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले हम डो को इस तरह से लगा के तो उसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्री हीट ओवन में बेक कर लेंगे। अब ये मैं यहाँ पे राउंड पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो बड़ी जो ट्रे है मेरे पास, मैंने आपको बताया था 2 ही है मेरे पास। हाथों को आपने ऑयल से चिकना कर लेना है। बस इसी तरह से हम प्रेस करते जाएंगे और बहुत आसानी के साथ ये इसमें सेट हो जाएगी। हल्के हाथों से आपने प्रेस करते जाना है। और ये सारी डो देखें कितनी अच्छे से सेट हो गई है, बिल्कुल भी बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसकी मोटाई जो तकरीबन है ना, ये 1/2 इंच है। अब इस पर भी फोक की मदद से निशान लगा लेंगे पहले। फिर इसको हमने प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट के लिए पहले बेक कर लेना अच्छी तरीके से। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बग़ैर बेक किए ना डो को, इसके ऊपर ही इस तरह से इसकी टॉपिंग कर देते हैं, तो उससे ये है कि पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनता, कच्चा कच्चा सा टेस्ट आता है। पहले आप डो को 10 मिनट के लिए बेक कर लिया करें। ये देखें 10 मिनट मैंने इसको बेक किया, ये ऊपर से ये देखें कितनी अच्छी पक गई है। अब इसके ऊपर हम अपनी सारी टॉपिंग लगाएंगे। ये जो हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, बहुत मज़े की बनके तैयार हुई है। इसको आपने ज़रूर बना के देखना घर पे। पहले ये अच्छी तरह से इसके ऊपर फैलाएंगे। अब इसके बाद ये चीज़ है मेरे पास, मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। ये डालेंगे पहले। घर पे पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि अपनी मर्ज़ी से ना चीज़ें डाल सकते हैं। बाज़ार वाले तो आपको पता है कितनी कम चीज़ें डालते हैं, चिकन भी इतनी उन्होंने गिन गिन के बोटियाँ डाली होती हैं। इस पे मैंने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर डाल दिए सारे, वो आप अपने हिसाब से पसंद डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सब्ज़ियाँ पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डालें। चिकन अपनी मर्ज़ी से आप जितनी मर्ज़ी डाल सकते हैं। जो चिकन हमने कुक करके रखी थी, ये वही चिकन है मेरे पास, सारी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। बाज़ार वाले तो आपको पता है कितनी कम चिकन डालते हैं, आप अपनी पसंद से जितनी मर्ज़ी चिकन डाल सकते हैं दिल खोल के। घर पर बनाने का ये सबसे बड़ा यही फ़ायदा है।
और मुझे तो घर का पिज़्ज़ा ही सबसे ज़्यादा पसंद है। अब इसके ऊपर और चीज़ ऐड करेंगे, चीज़ भी अपनी मर्ज़ी से जितनी आपको पसंद है, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है तो कम डालें। मुझे तो चीज़ वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, तो चीज़ अच्छी तरह से ऊपर गार्निश करेंगे। उसके बाद आपने इसको 170 पे इतनी देर बेक करना है कि प्री हीटेड ओवन में 170 पे इतनी देर आपने बेक करना है कि चीज़ अच्छी तरह से ऊपर से मेल्ट हो जाए और नीचे से पिज़्ज़ा हल्का सा क्रिस्पी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनके तैयार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इस पिज़्ज़ा को बनाने के बाद बाज़ार से कभी भी पिज़्ज़ा नहीं ख़रीदेंगे, जैसे कि हम लोग भी अब बाज़ार से कभी भी नहीं ख़रीदते। तो मुझे तो घर का ही सबसे ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा। इसी तरीके से आप डो को तैयार करें, तो 1 किलो मैदे के हिसाब से मैं सारी मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा ये कितना मज़े का हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ है और नीचे से ये हल्का सा क्रिस्पी भी है। इस तरीके से डो तैयार करके आप उसको महीने भर के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आपने उसको बनाना है जस्ट उसको निकालें, उस पर टॉपिंग करें अपनी मर्ज़ी की और उसको इंजॉय करें। और ये जो सॉस मैंने आपको बनाना सिखाई है ना, इसको भी आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के ना फ्रिज में स्टोर कर लें, तकरीबन इसको 1.5 से 2 हफ्ते के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।